हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश इसी इंग्लिश के कुछ शॉर्ट नोट्स के, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट नोट्स आप लोग को करवाने वाला हूँ, सारे शॉर्ट नोट्स आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टॉपिक्स पर मैं शॉर्ट नोट्स करवाने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है जिस पर मैं शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूँ, वो है मोनोलॉग, ठीक है। मोनोलॉग क्या होता है, तो मोनोलॉग देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए, ए मोनोलॉग इज ए स्पीच गिवन बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन ए स्टोरी। कोई भी स्टोरी होता है तो उसमें कोई स्पीच देता है, एक ही आदमी होता है, कोई एक आदमी यहाँ पे खड़े होकर अगर उस कहानी के बारे में अगर बोलता है तो वो होता है मोनोलॉग। यानी मोनो का मतलब क्या होता है, एक एक ही आदमी बोलता है, ठीक है। जैसे ये किस चीज़ में होता है, देखो, इन ड्रामा इट इज़ ए वोकलाइजेशन ऑफ ए करेक्टर्स थाट, इन लिटरेचर द वर्बलाइजेशन। देखिए, अगर कोई ड्रामा होता है, कोई जैसे नाटक वगैरह हो रहा है, स्टेज में नाटक होता है, तो एक आदमी बोलता है कि क्या होने वाला नहीं वाला। आप लोग देखते होंगे जैसे कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है तो एक आदमी माइक लेके सबसे पहले ये बोलता है कि दिल थाम के बैठिए, आप अब ये आने वाले हैं, ये कोई आने वाले नाम पकड़ के कोई आदमी एक खड़ा होकर बोलता है माइक के सामने। तो वो जो आदमी बोलता है तो वही होता है मोनोलॉग, ठीक है। उसके आगे देखिए, इट इज ट्रेडिशनली ए डिवाइस यूज इन थिएटर, और ये थिएटर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ए स्पीच टू बी गिवन ऑन स्टेज, ठीक है, स्टेज में भी स्पीच देता है सबसे पहले आके, जो एक आदमी या फिर दो आदमी होता है जो सबसे पहले आके बोलता है, ठीक है। बट नाउ एड इट्स यूज एक्सटेंड्स टू फिल्म एंड टेलीविजन। आजकल इसका यूज होता है फिल्म और टीवी में भी इसका यूज होने लगा। एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूँ मोनोलॉग का, कैसे एग्जांपल होता है। जैसे कोई स्टेज वगैरह होता है, स्टेज में सबसे पहले एक आदमी खड़ा होकर इस टाइप का बोलता है ना, देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टुनाइट यू फेसेस विल ग्लो विथ वंडर, और इससे आगे और बात भी बोलता है। तो यानी कि ये सब वर्ड से स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट अप आदमी जो बोल के स्टार्ट करता है तो यही कहलाता है क्या, मोनोलॉग, ठीक है। उम्मीद है मोनोलॉग समझ में आ गया। उसके बाद का टॉपिक है जी डायलॉग, ठीक है। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, एक तरीके से बातचीत होता है, ठीक है। एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी रिस्पॉन्स करेगा, फिर पहला आदमी कुछ बोलेगा, फिर दूसरा आदमी रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि दो आदमी के बीच जब बातचीत होता है तो वो चीज़ कह सकते हैं हम क्या, और इसमें दो ही आदमी नहीं, दो से ज़्यादा आदमी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है डायलॉग, ठीक है। लिटरेचर इज ए स्टिलाइड रिटन और स्पोकन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल। देखो, डायलॉग जो होता है लिटरेचर में होता है रिटन एक्सचेंज होता है, या बोला जाता है दो या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच जो बोल चाल होता है उसी को डायलॉग कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच जो डायरेक्टली बातचीत होता है वो होता है डायलॉग, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलॉग। मोनोलॉग से ये कुछ अलग होता है, मोनोलॉग में सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, लेकिन डायलॉग में दोनों आदमी या दो से ज़्यादा आदमी बोलते हैं। वी रेफर टू द स्पोकन वर्ड्स ऑफ वन पर्सन अलॉट। डायलॉग इज कॉमनली फाउंड इन प्लेस, बुक्स और अदर लॉन्ग टर्म वर्ड्स विथ मल्टीपल करेक्टर। ज़्यादातर आपको डायलॉग किसमें मिलते हैं, कोई प्ले, प्ले मतलब कोई ड्रामा वगैरह होता है, कि किताब होता है, किताब में भी कहानियाँ होती हैं, इसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्क, कोई लंबे लंबे जो बातचीत वाले कोई बुक होते हैं उसमें भी ये सब डायलॉग मिल जाते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोएटिक वर्क्स। ये आपको पोएटिक वर्क, फिक्शन, नॉन फिक्शन चीज़ों में मिल जाता है डायलॉग, ठीक है। आगे देखिए, डायलॉग इज कॉमनली फाउंड इन प्ले, बुक्स और अदर लॉन्ग टर्म वर्क्स। लगता है ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, ये इसको छोड़ दिए, पहले ही मैंने ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक जिसका शॉर्ट नोट्स में बताने वाला हूँ वो है ग्रुप डिस्कशन। नाम से समझ में आ रहा है, जब ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है और किसी टॉपिक पर डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, राय मशवरा लिया जाता है, तो वो कहलाता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन देखिए यहाँ पे है, ए ग्रुप डिस्कशन इन ग्रुप इज ए डिस्कशन अबाउट ए टॉपिक, टेक्स्ट और इशू अकरिंग विथ इन ए ग्रुप। यानी क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर में, लोगों के समूह के अंदर में किसी टॉपिक पर जब डिस्कशन होता है, राय मशवरा हो रहा है, वही ग्रुप डिस्कशन कहलाता है, ठीक है। द वर्ड डिस्कशन इज एसेंशियल हियर। यहाँ पर जो डिस्कशन है जो सबसे ज़रूरी वर्ड होता है, क्योंकि डिस्कस होता है, राय मशवरा होता है, ठीक है। ए लॉन्ग
ए ग्रुप डिस्कशन इज नॉट ए लेक्चर, ए क्लास और ए आर्ग्यूमेंट। ग्रुप डिस्कशन कोई लेक्चर नहीं होता है, या फिर कोई क्लास नहीं है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि तर्क विकर्ष होता है, ये बस सलाह मशवरा होता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिवली लिस्टनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ए मैटर। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं और इसमें कोई बोल सुनना होता है और रिस्पॉन्ड करना है कि क्या ऐसा करना सही होगा नहीं होगा, या अपना अपना राय रखते हैं। ग्रुप में क्या होता है, हर आदमी अपना अपना राय रखते हैं और आपसी सहमति दर्शाते हैं। आगे देखिए कि ग्रुप डिस्कशन कैन हेल्प स्टिमुलेट हायर लेवल थिंकिंग, एलो फॉर कोलाबरेटिव लर्निंग एंड एम्पावर ऑल इन्वॉल्वमेंट इन डायलॉग। ठीक है, डायलॉग जब होता है, क्या है, ग्रुप डिस्कशन में जब ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं, कोई एक टॉपिक पर बातचीत होता है, तो इसमें हमारे जो थिंकिंग को हायर लेवल का बनाया जाता है, हम ऊँचे लेवल का अच्छे सोच अच्छे डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। किसी टॉपिक पर हमें डिसीजन लेना होता है तो ग्रुप डिस्कशन कर हम अच्छे लेवल का डिसीजन ले सकते हैं, और इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो दिस डिस्कशन कैन हैपन इन द क्लासरूम, एट वर्क प्लेस और इवन विथ इन ए होम। अब ग्रुप डिस्कशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो क्लासरूम में ही हो सकता है, बच्चों को भी ज़्यादा ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें तो वो भी ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस, किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉई लोग होते हैं या फिर मैनेजर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई काम अगर कराना हो तो घर के सारे लोग एक साथ बैठकर उसको राय मशवरा करते हैं और फाइनली सही डिसीजन पर पहुँचते हैं। तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। आगे देखिए, और एक टॉपिक है जिसका हम लोग शॉर्ट नोट्स बता करने वाले हैं, वो है इंटरव्यू। नाम से समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बारे में बहुतों को मालूम है। इंटरव्यू में क्या होता है कि सवाल जवाब होता है, एक इंटरव्यू देने वाला एक होता है और एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। इंटरव्यू लेने वाला एक कैंडिडेट से सवाल जवाब करता है और उस कैंडिडेट को सवालों के जवाब देना पड़ता है। ये ज़्यादातर इंटरव्यू आपको किसी कंपनी में जॉब के लिए होता है। आजकल तो लगभग लगभग हर बड़े बड़े कंपनियों में जॉब के लिए इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई सवाल जवाब होना ही इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है, तो एन इंटरव्यू इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट आस्क्स क्वेश्चन एंड द अदर प्रोवाइड आंसर। समझ आ गया कि एक जो कैंडिडेट होते हैं वह सवाल करता है और दूसरा कैंडिडेट जो होता है उसे जवाब देना पड़ता है। तो यही होता है इंटरव्यू। इन कॉमन पार्लेंस द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू ए वन ऑन वन कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन इंटरव्यूवी। यानी कि ये दो आदमी आप देखने को मिल रहे हैं, दो कैंडिडेट, एक सवाल पूछने वाला और एक जवाब देने वाला, ये दो ही चीज़ों के बीच जो वन टू वन कन्वर्सेशन होता है, एक से दूसरे एक और एक आदमी के बीच जो बातचीत होता है वही होता है इंटरव्यू। बातचीत क्या, ये सवाल जवाब होता है एक तरीका से। ठीक है, द इंटरव्यू डिटरमाइंस वेदर ए कैंडिडेट should be employed, be given a second interview or be disqualified from further consideration। तो क्या क्या आ रहा है इसमें कि जब इंटरव्यू जब लिया जाता है, जैसे किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, तो जॉब के जब कैंडिडेट को इंटरव्यू लेकर उसके सवाल जवाब करके ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इस कैंडिडेट को कंपनी में काम के लिए रख सकते हैं या फिर इसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे डिसीजन इंटरव्यू के आधार पर ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर सेलेक्शन प्रोसेस। किसी भी कैंडिडेट को किसी जॉब के लिए सेलेक्ट करना होता है तो इस सेलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंटरव्यू। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया है कि सारे टॉपिक्स जो शॉर्ट नोट्स का आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, वो मैंने इस वीडियो में करवा दिया। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया है ये सेशन। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है तो दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक मिल